सोशल मीडिया को अगर एक तरफ रख दिया जाए, मुल्क में जिस कदर महंगाई बढ़ गई है उस पर लोगों का गुजारा करना ही मुश्किल हो गया है। वो आम दिहाड़ीदार तबका जो पहले आज से 4 साल 5 साल पहले 1000 रुपए लेता था, आज जब महंगाई डबल ट्रिपल हो चुकी है, आज भी वो 1000 रुपए भी उसको नहीं मिल पाते। हमें अपने जिंदगी के ना तरीके बदलने पड़ेंगे गुजारने के। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे ये सारी चीजें कि एक कमाने वाला होता था पूरा घर खाता था, पूरा घर खाता था। आज पूरा घर कमा रहा होता है और फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। मसला ये है कि हमारे जिस तरह से महंगाई हो रही है, हम लोग अभी तक जो है ना हमारी जो जिंदगी गुजारने का तरीका वो पुराना है कि एक नौकरी पे हम लोग पूरा घर जो चला रहे होते हैं। नहीं, आपको एक नौकरी के साथ 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 कुछ करना पड़ेगा, या सोशल मीडिया पे या आईटी पे थोड़ा बहुत काम करें, या घर पे जो भी है औरतें कर रही हैं, वो पता नहीं या फ्रोजन आइटम बेचती हैं, वो सारी चीजें कपड़े बेचती हैं, तो आपको साइड में थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इसी तरह काम होता है, और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई है, पूरी दुनिया महंगाई की जद में है भाई इस वक्त। लेकिन वो क्या करता है, उन्होंने अपना लाइफ सर्कल जो है ना चेंज किया है, हम लोग नहीं कर पा रहे, हम लोग इस चीज को एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे अभी तक ना, कि भाई 9 to 5 अगर तेरी नौकरी है तो उसके बाद इतने घंटे तू जब टीवी में टॉक शो देख सकता है, तो इससे बेहतर नहीं तू ऑनलाइन कुछ काम कर ले, 4 घंटे दे दे और उधर से 20-25 हज़ार रुपए कमा ले, नौकरी से 50-60 हज़ार रुपए कमा ले, तेरे 1,00,000 रुपए तो बन गए ना यार। लेकिन वो क्या करेगा, वो टॉक शो में देखता रहेगा, टाइम बर्बाद करते रहेगा, होटल पे लूडो खेलेगा, वो इस तरफ नहीं आएगा। और भाई बोलेगा महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो क्या एक दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कोई चीज जिंदगी में हो जाती है तो पूरी जिंदगी रोते रहते हैं हमारे साथ तो ये हो गया, या दूसरे लोग होते हैं वो उस चीज से लड़ते हैं, ओवरकम करते हैं उस चीज को। तो अगर महंगाई है तो भाई महंगाई ऐसे तो खत्म हो नहीं सकती कि हम सियासतदान को रोजाना की बुनियाद पर गाली देते रहे और दुआ करते रहे कि अल्लाह मियां कुछ कर दे, ये कर दे, फलाना कर दे। भाई इंकलाब भी उन्हीं कौमों को में आता है जो कौमें आगे बढ़ के कुछ करती है, लूडो नहीं खेलती वो बैठ के ना। तो आपको अपना लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई अपना गुजारने का तरीका अलग करो। मैं जैसे पहले नौकरी करता था, फिर मैंने अपना साइड में करना शुरू किया ना, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ और उस पर मुझे रोजाना ऑफिस बैठने की जरूरत नहीं होती, वो एक जो कुछ वक्त के बाद वो सारी चीजें ऑटो पर हो जाती है। तो आप जो है थोड़ा मोटा अपने तौर पर बिजनेस लगा लें, कोई चिप्स का ठेला लगा लें यार, कुछ भी कर लें। शाम के 5 बजे फ्री हो गए ना आप, उसके बाद आप लिंगा बेच लें या फलाना बेच लें, इसमें क्या बुरा है? आपके घर वाले फैसिलिटेट ही होंगे ना, आप अपनी बेगम जो है घर में बच्चे जो हैं, जो अगर वो उस एज में आ गए हैं तो उनको घर में कोई छोटा मोटा काम करना है, बच्चों को भी बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा लाइफ माइंड सेट होगा, वरना तो आप जो है ना पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। आज देख लेना, हमारे अफसोस होता है जो लोग बोलते हैं हसन भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, मुझे खवातीन मिलती है, लोग मिलते हैं और आप आईटी पे काम कर रहे हैं, मुझे अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में अभी तक लोग आईटी कोर्सेज कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता ये कोर्सेज करें, मैं चाहता हूं कि लोग काम करें, जिसमें मैंने बोला भी वर्क स्पेस हमने शुरू कर दिया, पूरी दुनिया में लोग आईटी पे काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी तक कोर्सेज हो रहे हैं, कोर्सेज ही नहीं, और जो कोर्सेज करवा रहे हैं वो करोड़पति हो जा रहे हैं भाई, बिल्कुल ऐसे कमाए जा रहे हैं, दबाव कमा रहे हैं ना, जाहिर सी बात है कमा रहे हैं ना, वो झूठ बोल के कमा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि ये कोर्सेज कर लो इतने $1,00,000 कमाओ, ये कोर्स कर लो इतने $1,00,000 कमाओ। अरे नहीं है इतना आसान। सही, अगर सक्सेस रेशियो इतना होता तो डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनते लोग, ये सब आईटी कोर्सेज ही करते। सक्सेस रेशियो आपको मालूम है, कोई भी चीज होती है उसका 6% होता है, 6% यानी कि 100 में से 6 बच्चे कामयाब होते हैं। लेकिन आप जो कोर्स बेचने वाले एनजीओ पे या उस पे जाएंगे वो क्या बोलेंगे कि 100 में से 100 बच्चे कामयाब, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। हम तो बोलते हैं हमारे पास जो बंदा पढ़ने आता है उसमें 6% लोग कामयाब होते हैं, 10% ये तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, जो मेहनत करता है। हमारे यहाँ लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन खैर मेहनत करने पड़ेगी आपको, ये चीजें ऐड करने पड़ेंगी अपनी जिंदगी में। एक जगह फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, तीसरी बार सक्सेस जरूर होगा। अल्लाह ताला तो काफिर को भी देता है, आप तो हम किताब हो भाई, मांगो ना अल्लाह ताला से, सही है। लेकिन हम, हमारा मसला ये है कि हम चौधरी साहब से मांग रहे हैं, कुरैशी साहब से मांग रहे हैं, फलाना से मांग रहे हैं, अल्लाह से मांगने की आदत हो, हम अल्लाह से नहीं मांग रहे, अल्लाह से नहीं, अभी डायरेक्ट कनेक्शन है इसमें, कोई ब्रोकर वगैरह कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट मांगो। हम तो अल्लाह की कसम हम अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह बेहिसाब देता है, कभी अल्लाह ताला ने मायूस नहीं किया। हाँ कभी कभार थोड़ा होता है, डिले हो जाता है, कोई चीज डिले हो जाती है, लेकिन मिलती जरूर है, अच्छाई के साथ मिलते हैं, सबर का फल मीठा होता है। अच्छा हसन, आप कराची से ही बिलोंग करते हैं, कराची में हमने एक चीज देखी, जो कराची का रहने वाला कराची का रिहायशी है, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो किराए के मकान पर होते हैं और जो नए आने वाले लोग हैं उनके माशाल्लाह से बिल्डिंग्स बन गई, उनके तो मॉल्स बन गए, उनके पास इतनी ज्यादा जायदाद हो गई, वजह क्या है? हमें वो जबान बोलना नहीं आती ना जो इदारों में चलती है, जिस दिन वो जबान बोलना आ गई वो सारी चीजें मुझे बोलते रहे पूरे घर वाले कि अंग्रेजी सीखो, अंग्रेजी, तो हमने अंग्रेजी सीख ली, अब हमें मालूम नहीं अंग्रेजी तो चलती नहीं है, कोई और जबान चलती है।
हमारे घर वालों ने बताया नहीं कि जिस पे नुकते ज्यादा लगते हैं वाली जबान बोलनी चाहिए, तो फिर वो गलत हो जाता है ना। फिर हम लोग फिर वही हम अब लोग बोलते हैं आज कराची के लड़के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं, बोलता हूँ प्राइवेट जॉब नहीं है कराची के लड़के के पास यार, आप गवर्नमेंट तो मिल ही नहीं सकती। नहीं आज देखो ना, पढ़ा लिखा लड़का बीबीए किया हुआ एमबीए किया हुआ कितने हजार रुपए हमारा 25,000-30,000 रुपए क्या क्या इससे ज्यादा कमा रहे, और कोई कई तो ऐसे बेचारे उससे भी ज्यादा कम, जैसा कि आपने बोला डिलीवरी बॉय और ये सब काम कर रहे हैं। अच्छा आपने देखा कि हमारे जो माशरे के नौजवान हैं वो टैलेंटेड भी बहुत ज्यादा हैं, वो बेचारे कमा भी रहे हैं और अपने तालीम के अखराजात भी उठा रहे हैं, तो उनके ऊपर इस तरह से बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो इस तरह से कहीं ना कहीं वो दब जाते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो जाते हैं, मोबाइल छिन जाता है और फिर उनको मार दिया जाता है, रोड पे खड़े होकर गोलियां मार दी जाती हैं। आपने देखा होगा इस तरह के हर रोज सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी इस तरह की खबरें आ रही होती है। मायूसी इसलिए फैल रही है क्योंकि आप अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं कर रही। आप अगर टीवी खोलो तो पता नहीं कोई छिछोरा बैठा होता है और बोलते हैं वो पता नहीं ये दोनों मियां बीवी हिलते हैं, ठीक है, और जो है आज ये जो है ना स्टार है जो पढ़ा लिखा लड़का है ना वो बेचारा वो पूरी जिंदगी जो है वो अपने जिंदगी के 18-20 साल जो है एजुकेशन पे लगाता है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की खिदमत भी करता है, लेकिन अफसोस ये होता है जब वो टीवी खोलता है तो दो नाचने वाले लोग जो है मॉर्निंग शो की जीनत बने होते हैं। तो बच्चे ये समझते हैं कि हमारा बाप जो है उसने पूरी जिंदगी ये सारी चीजें की, उसकी तो कोई औकात नहीं है, इनकी वैल्यू ज्यादा है, अब मुझे तो ये बनना है, ठीक है। ये इस तरह से माशरे का बिगाड़ है, तो ये सारी चीजें ये बदलने पड़ेंगी। आज कोई लड़का रोड पे, जब आपने बोला जो रोड पे मर जाता है, तो देखें ना अफसोस होता है कि 6 लोग उसको खड़े होकर वीडियो बना रहे होते हैं और उसके बाद घर जाते हैं और उस वीडियो को अपलोड करते हैं और बोलते हैं लाइक शेयर फॉर मोर वीडियोस। अबे हम नहीं चाहते ऐसी वीडियोस और आए, आप अपना पेज चलाने के लिए पता नहीं क्या लगा देते हैं और लोगों ने पेज बना लिए भाई सीसीटीवी फुटेज लाइव क्राइम और उस पर वीडियोज पे वो आ रहे होते हैं और उस पर लिखा होता है शेयर फॉर पता नहीं क्या क्या और उस पर कमा रहे हैं, मतलब तुम या किसी की मौत पे कमा रहे हो। अरे बीमारी है ये, तुम्हारा बाप बहन बेटी मर जाएगा तुम उसकी भी वीडियो इस तरह से बनाओगे, नहीं होता यार। पता नहीं कौन सा मोचरा बना दिया क्या, लेकिन मोचरा हमें ठीक करना है ना यार, बिल्कुल ऐसा ही है। कौन करेगा, कोई एलियन तो आएंगे ही नहीं, हम जैसे लोग ही ठीक करेंगे। आज लेकिन बेहतरी आ रही है, टाइम लगेगा लेकिन होगा बेहतर। उम्मीदें दम तोड़ गई है हुकूमत से, नहीं, और इससे उससे हुकूमत तो कुछ नहीं करने वाली। नहीं नहीं हुकूमत का क्यों इंतजार कर रहे हैं आप, अपने तौर पे करें और अपने तौर पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एनजीओ बहुत जबरदस्त काम कर रही है, ये सारे लोग खराब नहीं होते। हम तो बोलते हैं कि जफर अब्बास जिस तरह से काम कर रहा है कराची में, हमने तो उनको देख के हर चीज सीखी, हर जगह वो खड़े होते हैं, हर जुल्म के खिलाफ वो करते हैं, माफिया से पंगे लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, आसान नहीं होता भाई, कहीं ना कहीं थ्रेड्स भी आती हैं। अरे भाई कितनी बार तो हमले हो गए उनके ऊपर, नहीं नहीं हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारी क्या औकात यार, हमें कौन धमकी देकर क्या करेगा, हम तो एक आम आदमी की बात करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं और अल्लाह का शुक्र है सारी चीजें जबरदस्त है यार। अगर मैं मर भी जाऊंगा तो क्या होगा मेरे बच्चों को, लोगों को, मेरे बच्चे यही बता सकेंगे ना कि मेरे बाप किसी और की जंग लड़ते हुए मर गया, कोई मसला नहीं है, कोई लेकिन जब आपने ये सफर शुरू किया कुछ ना कुछ तो हर्डल्स आई होंगी, कहीं ना कहीं तो दिक्कत का सामना रहा होगा। नहीं बहुत, मैं क्या बताऊं, मैं हर चीज पे तो भाई हर चीज पे, अब लोग बोलते हैं ना कि लोग हमारी फलाना इज्जत नहीं करते, हमारे फलाना वो रहा, अब हमारा तो घर वाले हमें बोलते हैं कि पता नहीं ये ब्लॉगर इतने करोड़ रुपए कमा रहा है, वो फलाना इतने कमा रहा है, तू एक मिडिल क्लास जिंदगी गुजार रहा है, तो हमने तो हर चीज देखी, लेकिन क्या करूं मैं ये सारी चीजें करूं कि बेगम नाचना शुरू कर दो आज, ये सारी करें आज मैं उठ गया हूं, सो रहा हूं, जाग रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, नहीं भाई सारी चीजें नहीं करनी यार। और अल्लाह का शुक्र है कितनी रोटी में पेट भरता है भाई, 2, 4, 5, 10, 15, 20 कितनी चाहिए हमें, तो दो रोटी चाहिए यार, दो रोटी चाहिए इज्जत और सुकून की, और वो मिल रही है और जबरदस्त है और हमारा पेट भरा हुआ है यार। मैं आज कमाना शुरू कर दूं तो मेरे मरने के बाद वो कितना अरसा जिंदा रहेगा, वो पैसा सारा 5-6 साल उसके बाद तो खत्म हो जाएगा ना, तो क्या चीज रहेगी मेरे मरने के बाद, मेरी की भी तरबियत मेरे बच्चों के लिए, तरबियत रहेगी तो कर रहे हैं ना बच्चों के लिए, बेहतरीन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं भाई। और मुझे समझ में नहीं आता आज बस लोग कहते हैं कि बस कितना बड़ा मोबाइल है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा वो है। अरे यार मेरा दोस्त अभी कुछ अरसे पहले उसको ये टारगेट किलिंग में मारा, मैं उसके जनाजे में गया, मैंने बड़ी गौर से देखा कि शायद उसकी कब्र में जब उसके वालिद मिट्टी डाल लेते यूं करके उसके मुंह पर, तो मैंने देखा कि शायद कुछ गाड़ी बंगला पेपर वेपर कुछ तो जाएंगे। अरे एक हफ्ते पहले उसने नया मोबाइल खरीदा था, मुझे बड़े शौक से दिखा रहा था, वो मोबाइल तक नहीं गया यार, तो क्यों मेहनत करूं जो मेरी कब्र में नहीं जाएगा, मेरे साथ चीजें मेरी कब्र में क्या जाएगा, मेरे की भी काम, मेरे अमाल, इन चीजों पे तो काम कर रहा हूं भाई, कोई मेरा कोई नहीं दिखेगा मैंने इतना बड़ा मोबाइल लिया था, मैंने इतना बड़ा हो गया था, नहीं यार सही। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखिएगा, लोग बोलते हैं कि आपका तो एक एक नॉर्मल सा घर है और ये वो, हमने बोला हम महल बनाएंगे ऊपर,
आप ये महल बनाते ना इधर, और हमारा सबसे बड़ा महल बना। अच्छा हसन, आप नौजवानों के लिए बहुत कुछ करें, नौजवान नहीं बल्कि सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म से आप वो लोग जो बिल्कुल उम्मीदें जिन्होंने छोड़ दी हैं, और जैसा कि आपने कहा कि वो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और हमारे लिए कुछ कर जाए, उनको क्या पैगाम देना? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा और सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। हमने अपनी जिंदगी में सारी चीजें देखी हैं। एक वक्त था जब मैं सुबह उठता था और शारे फैसल पे और टावर पे जितने भी ऑफिस थे वहाँ पे सीवी ड्रॉप करता था। सही, ठीक है। तो बस यही काम होता था, 8-8 घंटे बस यही काम कर रहा होता था। क्यों? और इंटरव्यू देके आता था घर पे और इंतजार करता, अब कॉल आएगी, अब कॉल आएगी, अब कॉल आएगी, कॉल नहीं आती थी। तो मैंने सीवी देना बंद नहीं किया, क्योंकि मैं तो अपना काम पूरी तरह सही कर रहा हूँ ना भाई। पर्ची सिस्टम था ना उस? नहीं नहीं, आपको काम करते रहना चाहिए। आप इंतजार नहीं करें कि बस ये अब जो है मेरे ऊपर यार अब तो कॉल्स नहीं आ रही या अब तो मुझे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो शॉर्टकट भाई एक में रहता है ना, पीआर बना लो, पर्ची लगवा लो, शॉर्टकट का तो सारा सिलसिला हो गया भाई। एक ना एक दिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको रिकग्नाइज करेंगे। मैं ये बोलता हूँ कि अल्लाह ताला हर किसी को देता है, कभी कभी डिले हो जाता है, लेकिन हमारा तवक्कल कमजोर हो गया ना। हम 4 दिन बाद, हमें तो पहले वीडियो बनानी है तो उसके बाद मिलियन चाहिए। हम बोलते हैं हमारे व्यूज नहीं आ रहे, हम बंद कर देंगे। अगर हम कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं, हमें पहले दिन रश आई अपने कस्टमर्स के, वो हमारा रश नहीं आ रहा, हम बंद कर देंगे। हमें बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ यार, जल्दी बल्दी कुछ नहीं होता यार। आपको अपने, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और डायरेक्शन सही है, तो आपको अपनी डायरेक्शन बदलने की जरूरत नहीं है, लोग अपनी डायरेक्शन जरूर बदलेंगे आपके लिए, ये याद रखिएगा। ठीक, तो मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि जो नौजवान नस्ल है, जो हमारे आवाम है, उनको मायूसी जो है, उसको मायूसी कुफ्र मायूसी छोड़ दें। नहीं नहीं, टैलेंटेड लड़के हैं यार, कराची में बहुत टैलेंट है यार, कराची में, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है यार। बस मसला ये है कि इनको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। हमारे लड़के को भागना बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसको कोई नहीं बता रहा कि भागना किधर है, किस तरह। अगर उसको कोई डायरेक्शन बता दे कि तुम्हें इधर भागना है तो मेडल ला सकता है, लेकिन अफसोस ये है कि उसको कोई बता ही नहीं रहा कि वो बेचारा इधर उधर भागे जा रहा है। अगर उसको डायरेक्शन देते तो मेडल ले आएगा वो, लेकिन ये चीजें करने पड़ेगी। लेकिन कराची के लड़के को, कराची के नौजवान को स्पेस नहीं मिलती ना। आप चाहे किसी भी स्पोर्ट्स को देख लें, क्रिकेट देख लें, इधर देख लें, कहीं भी आपको कराची का तो नहीं नजर आएगा। सरफराज के साथ जो होता रहा है वो भी सामने है। नहीं नहीं, अगर मैं फिर वही बात बोलूंगा, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप सही काम कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। आज सरफराज टीम में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में तो जिंदा है ना। तो जिंदा है, बस मतलब उसी तरह से नाम बनाना है। हाँ नहीं नहीं, नाम क्या है, सरफराज टीम में आ जाएगा, आप टेंशन नहीं ले, काम अच्छा करते रहेगा। सरफराज लगे रहे, आया ना 2 बार टीम में, दोबारा आएगा। आप अपने काम करते रहे, देखिए आप अल्लाह ताला क्या बोलता है, आप अपने हार्डवर्क करते रहे, सिला मैं दूंगा। सही है, अगर आपको अल्लाह पे तवक्कल है, अगर आप सही डायरेक्शन में हैं, तो आप काम करते रहे। आप रिवॉर्ड का नहीं सोचें। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि हमारे काम को रिकग्नाइज नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर रहे। इस तरह की बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि यार कि कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, और उसके बाद क्या, कितने कितने लोग जो है वो कितने 38-40 साल की उम्र में टीम में सिलेक्ट हुए और उन्होंने 2-3 साल क्रिकेट खेला और बड़ा नाम बनाया। नाम बना, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी एक एग्जाम्पल है ना, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको, अब मैं क्या बोलूँ, वो जो कौन है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गया, बोमन ईरानी हो गया, है ये लोग कितनी उम्र में आया फिल्मों में। और वो अभी जो गैंग ऑफ वासेपुर का एक और एक्टर है, मैं फिल्में ज्यादा देखता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बहुत फिल्मों से मुतासर होकर तो सारा काम नहीं किया कि चले, अच्छी फिल्मों से मुतासर होकर बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब इन शॉर्ट अगर ये बात भी कर दी जाए कि अगर आप फिल्में देखें, चीजें देखें, लेकिन हर अच्छी चीज को पिक कर लें। हम तो सारी चीजें देखते हैं भाई, हम मूवीज से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मुझे सोशल ड्रामा मूवीज बहुत पसंद है। हमारे बच्चे तो पबजी और वो फ्री फायर से बाहर नहीं निकलते। नहीं, पबजी और फ्री फायर भी खेलें तो उसमें नाम बनाएं, कोई भी चीज आप कमाल करेंगे आपका नाम। लेकिन यहाँ तो उलट ही कुछ हो जाता है। हमारे यहाँ वो लड़कियां सेट कर रहे हैं वो अलग बात है। क्यों, आप पूरी दुनिया में गेमिंग पे कितना पैसा कमाया जा रहा है, लोग कर रहे हैं ना, सही है। लेकिन आप उससे बाहर निकले ना, आप अपनी डायरेक्शन तो सही करें। आपका गोल ही सेट नहीं है, मुझे बता देना कितने लोग हैं अपना अपना गोल। कहीं ना कहीं किरदार तो वालदैन का है ना, कि वो एक डायरेक्शन में अपने औलादों को, बच्चों को लेकर आए। खुद लगी हुई स्नैपचैट पे, वालिद खुद न्यूज चैनल देख रहे हैं। चले आप यहाँ से एक पैगाम ही दे दें कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करें, वो किस तरह से इस चीज से बाहर खुद भी निकले और अपने बच्चों को भी निकालें। मेरी बच्ची जब 1 साल की थी, 1 साल भी ज्यादा बता रहा हूँ, 8 महीने की या 1 साल की, तो मैं कोई वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा होता था, तो मैं उसको बोलने से पहले रिहर्स करता था, ठीक है। तो मैं, मेरी बच्ची थी ना 1-1.5 साल की जो थी, मैं उसको बोलता था जैसे आपने कोई लिखा हुआ है, तो मैं बताता था, तो उसको समझ में कुछ नहीं आता था, बोलती थी ठीक है।
बच्चों से लोग बात नहीं करते, बात कम्युनिकेट नहीं करते, फोन दे देते ना। वो मैं बता रहा हूँ ना, वालिद लग गया न्यूज चैनल में, वालदा लग गई अपनी अम्मा के साथ फोन पे, या मोहल्ले की बुराइयां जो भी जो करती हैं औरतें, ठीक है, वो उसमें लग गई। अब बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, बच्चा अपने आप को निग्लेक्टेड फील कर रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं रोजाना ऑफिस से घर आता हूँ ना, मैं अपने ऑफिस की सारी बातें करता हूँ बच्ची से। मेरी जो छोटी वाली बच्ची है वो 3 साल की है, मेरी बड़ी वाली बच्ची 7 साल की हो गई। मैं सारी बातें करता हूँ, वो सारी बातें मुझे बताती है। इवन तो मैं अपना मोबाइल दिखाऊं तो वो अपनी तस्वीरें भेजती है, वॉइस नोट भेज रही होती है कि कब आओगे कब नहीं आओगे फलाना। लोग बात नहीं करते, लोग अगर बात भी करते हैं घर पे फोन करके तो अपनी बीवी से बात करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से कम्युनिकेशन ही नहीं करते। अब मेरी वाइफ, एक बार मैं गाड़ी में सफर कर रहा था तो मेरी वाइफ को मेरी बच्ची ने कुछ बोला कि फलाना जो है उसने बच्चे ने मुझे मारा हो ये हो, तो मेरी वाइफ ने बोला यार गाड़ी बाहर जा रहे हैं तुम ना फजूल की बातें नहीं किया करो, बाहर जाते हुए मूड खराब नहीं करो, ठीक है। तो बच्ची जो है वो नाराज होकर पीछे बैठ गई, तो मैंने अपनी वाइफ को डांटा और बहुत बुरी तरह डांटा। मैंने कहा आज तुमने इसको डांट दिया ना, कल को कोई बच्ची को गलत जगह हाथ लगाएगा वो तुमसे डरेगी, बात करते नहीं डिस्कस करेगी, सही, वो बोलेगी नहीं अम्मा तो डांटेंगी। तो मैंने कहा भाई इसको प्यार से बात करो। मैंने कहा लोगों का मसला ये है कि लोग अपने बच्चों से बात नहीं करते हैं, और फिर स्कूल में ये शादी हॉल में मॉल में कुछ इस तरह का हादसा हो जाता है तो बच्चा घबराते हुए बताता नहीं अपने वालदैन को कि मेरी वालदा तो डांटेंगी, कम्युनिकेशन गैप है। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची से हर तरह की बात करता हूँ, हर लेवल पे चीजें डिस्कस करना चाहिए, करना चाहिए, दिमाग बंद हो जाएगा ना उस बच्ची का। तो लोगों को बस यही कहूंगा कि जहां तक मेरा मानना है आइडियाज भी लेने चाहिए, नन्ने नन्ने सारी चीजें। मैं बताता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाने ते हुए सारी चीजें बोलता था कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बच्ची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन वो मुझे बोलते थे नहीं यूं करो फलाना करो, वो अपने जहन से बता रही है लेकिन वो अपने आप को निग्लेक्टेड फील नहीं करेगी, नहीं करेगी, ये सारी चीजें। और उसके बाद दिमाग भी खुलता है, सारी चीजें होती है। आप गोरे के बच्चे के बाद, मैं 3 साल बाहर रह गया, उसका कॉन्फिडेंस देखो, हमारे बच्चे से बात करो तो हमारे बच्चे से नाम भी पूछे तो वो यूं यूं करना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो नाम नहीं बता रहा होता, क्यों, क्योंकि घबरा रहा होता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मेहमान जाते ही अम्मा 2 थप्पड़ मारेंगी। वो बेचारा वो बिस्किट वगैरह रखे होते हैं तो वो यूं करके नियतों की तरह देख रहा होता है, ठीक है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती वो खाए, खा ले बिल्कुल, क्यों, क्योंकि उसको मालूम है जैसे ही मेहमान जाएंगे 2 थप्पड़ पड़ेंगे। हमारे साथ ऐसा ही होता था ना, हम तो मना नहीं करते, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं बोलता हूँ बच्ची को खाओ, मेरी बच्ची कुछ भी कर रही होती है मैं मना नहीं करता, बच्चे है ना, बच्चे तो शरारत करेंगे, लोग नहीं होते थप्पड़ मारूंगी सीधे खड़े हो जाओ, अब क्यों खड़े हो जाओ सीधे, बच्ची है वो तो खेलेगी, वो आर्मी में थोड़ी है मेरी बच्ची, यूं सीधे खड़े हो जाओ हिलना मत, ऐसे कर रहे होते ना लोग जी भी। हमारे तरबियत करने का तरीका, पहले तो वालदैन की तरबियत करो भाई, फिर बच्चों की करो, बच्चे तमीजदार है, बच्चों को पता है क्या नहीं करना क्या नहीं करना। बच्चे अगर सच बोल देते हैं क्यों बताया अब्बा घर पे पटाक चमाट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चों से कोई गलती होती है, बच्चे के सामने सिगरेट पी रहे हैं, बच्चे को बोलने बेटा पान का केबिन से सिगरेट ले आओ, अबे बच्चा जब तेरे लिए सिगरेट खरीद सकता है तो अपने लिए भी खरीद सकता है, बिल्कुल ऐसा। तो हमारी तरबियत माँ बाप की करनी है कि भाई बच्चों को नहीं, वो धुआं मार रहे हैं बच्चों को, बच्चा तो समझ रहे स्टाइल है, नहीं पीना चाहिए सिगरेट, नहीं बकना चाहिए, शीशा विशा इस तरह के कैफे खुल गए, बच्चे सारा टाइम वहां पर वेस्ट कर देते हैं, पाइप वाला वो जो चल रहा है वो 4,000 रुपए का वो तो आम चल रहा है, वो तो आपके बाप के सामने बच्चे पी रहे हैं और वो उसको स्टाइल समझते हैं, पत्ते खेल रहे होते हैं बैठे हुए, आपने देखा होगा पता नहीं होटलों पे, क्या है स्टार्टअप है ना उन चीजों के लिए। हम तो यूं करके नाखून भी काटते हैं, हमारे बाप वहीं से चप्पल मारते थे हमें, क्या बच्चे इस तरह से सुनते भी तो नहीं है ना, मतलब कोई डर खौफ नहीं रहा, नहीं क्यों नहीं सुनते, सब सुनते हैं, सब सुनते हैं, जिस तरह से परवरिश शुरू हुई, आज मैं अपने बच्चों को बताना शुरू करूं ये दुनिया जो है सुपरमैन ने बनाई बच्चा वही मानेगा, सही बात है, उसका दिमाग तो खाली है, आप भर रहे हैं उसके दिमाग में सारी चीजें, खराफात ना भरें, सारी चीजें बच्चे के सामने गालियां देते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं ऑफिस में, ओ तुझे ये बताया था, बच्चे भी समझ रहे हैं ऐसी बात करते हैं, वो भी ऐसी बात कर रहे हैं, सही। मैंने क्या किया, तो मैंने अकेडमी तो मैंने मैंने 4 दिन जो है अपने हाथ में, मैं किताबें पढ़ने का शौक है मुझे, मैं अगर जाहिर सी बात है जब बेरोजगारी हो जाती है सारी चीजें हो जाती है सब साइड में हो जाती है, तो मैं किताबें पढ़ता था तो मेरी बच्ची जो है वो भी किताब खोल के ऐसे ही बैठ जाती थी, सही, उसको कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब वो फॉलो करती थी आपको, कॉपी करती ना, बच्चे का सुपर हीरो कौन होता है, उसका बाप होता है, बाप होता है बिल्कुल, जैसा बाप करता है वैसे ही बच्चे करते हैं, तो अगर उसके सामने किताब खोलोगे तो किताब खोलोगी, अगर उसके सामने मोबाइल खोलोगे तो मोबाइल खोलेगी, अगर उसके सामने गाली बकोगे तो वो गाली देगी,
सही, आप बच्चों को चला रहे हैं, बच्चा आपको नहीं चलाता, तो हमें परवरिश बच्चों की नहीं करनी, हमें परवरिश अपने आप की करनी है, फिर बच्चे खुद ही सीखेंगे। हम लोग बच्चों को तरबियत ही करते रहे, सीधे पढ़ा फलाना, अब तू अपनी तरबियत कर ले, बच्चा उसको देख के फॉलो करेगा, बस इतनी सिंपल सी बात है, इसमें कोई साइंस नहीं है। मतलब सोशल मीडिया इस तरह की जो भी चीजें हैं उनका यूज आप अच्छा करेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है, भाई सोशल मीडिया तो जन्नत है, जबरदस्त कमाल चीज है। आपको अपना मैसेज कन्वे करना है, आपको किसी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं है कि टीवी स्टेशन के बाहर खड़े हुए लाइनों में लगे हुए, सर हमारी स्टोरी ये कर ले, आपने कैमरा उठाया मोबाइल लगाया जो भी बात करनी कर दे, लेकिन आप बेगर्दी नहीं करें ना। अब मसला ये है जिसको मोबाइल चलाना आ गया वो पता नहीं बाथरूम में भी चला रहा है, वो बेडरूम में भी चला रहा है, अब यहाँ नहीं चलाना, पहले ही सिखाओ जहाँ चलाना है वहां चलाओ, तो लोग जो है उसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। केबल जब आया तो लोगों ने बड़ी बात है कि ये तो गुना है फलाना है धमाका है, सही है, जब इंटरनेट आया उसके बारे में इतनी बात की, जब टीवी आया था उसके बारे में इतनी बात की, टेक्नोलॉजी शुरू में समझ में नहीं आती लोगों को, ठीक है, उसको किस तरह से करना है देखना है, कंप्यूटर का इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से करेंगे, दूसरा खराब तरीके से करेगा, कोई भी चीज खराब नहीं होती। एक गन का ये सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है ना, ये लोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो एक मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, बाकी कोई चीज गलत नहीं होती। टेक्नोलॉजी को कभी मैं गलत नहीं कहूंगा, इस्तेमाल के ऊपर है, डायरेक्शन सबको देनी है और लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जो आज पहले बोलते थे कि ये सोसाइटी का बिगाड़ है इंटरनेट और ये सारी चीजें, भाई आज तो आप देखें ना कि आप अपने दीन का मैसेज किस तरह से फैला सकते हैं, किस तरह आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुल्क में। आज जो जिस तरह से जो जंगें हो रही हैं तो आपको उनकी न्यूज कैसे मिल रही है मुसलमान भाइयों की, इंटरनेट के जरिए मिल रही है ना, वरना तो आपको पता ही नहीं होता कि कौन सा मुल्क मार रहा है और ये सारी चीजें, तो इंटरनेट का इस्तेमाल कभी गलत नहीं होता। मुस्लिम ममालिक में जो भी कुछ हो रहा है जहाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही बातें, मतलब टेक्नोलॉजी जो है उसको हम बेहतर भी यूज कर सकते हैं और उसका हर चीज को, हर चीज को, बिल्कुल हर चीज का। ठीक है हसन, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, मजीद भी इंशाल्लाह ताला आपको जरूर जो है तकलीफ देंगे अपने शो में बुलाने के लिए। नाज़रीन इसी के साथ हमारे शो का टाइम भी खत्म हुआ है, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हसन से, लेंगे इजाजत, बहुत शुक्रिया हसन आपका, अल्लाह ने कहवा।